तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो पैनल में लगता है ये करेंगे इनपुट चोक लगता है, कहीं कहीं जगह पे आउटपुट चोक भी लगता है, तो इसी चीज़ को क्यों लगाते हैं आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी ड्राइव पैनल रहता है जिसमें VFD लगाया हुआ रहता है उसमें आप देखे होंगे ये कि इनपुट चोक रहता है जिसका इंडक्टेंस आप देख सकते हैं 0.13 mH करके लिखा था जो मिली हेनरी में है। तो ये भी ड्राइव एक लगा हुआ है उसी में आप देख सकते हैं ये एक 87 एम्पियर का VFD है, तो उसमें एक इनपुट चोक लगा हुआ है स्टार्टिंग में और बहुत सारे जगह में आउटपुट में भी लगता है। तो इसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है, तो आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि जो इनपुट चोक लगता है वो हमारा जो इनपुट वोल्टेज आता है उसमें जो फ्लिकरिंग रहता है जो नॉइज़ रहता है उसी को ये रिड्यूस करता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि वो वोल्टेज को फिल्टर करता है। तो उसके अगर इसको क्या करते हैं अगर आउटपुट में लगता है तो मोटर का केबल अगर VFD से 100 मीटर से ज़्यादा लेंथ हो जाता है पूरा रूट मिला के तब क्या करते हैं इसको एक इंडक्टेंस चोक जो रहता है जिसको फिल्टर आउटपुट फिल्टर ही बोलते हैं कहीं कहीं जगह में आउटपुट चोक भी बोलते हैं तो इसको लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक ट्रांसफार्मर जैसा दिखता है लेकिन उसका जो इनपुट आउटपुट है वो कॉयल जैसा एक बना हुआ है, तो बस एक इनपुट जाके अंदर में घूम के डायरेक्ट आउटपुट निकलता है। तो आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा मोटा वाला कॉयल है, पहले पतला वाला आता था अभी तो मोटा वाला आ गया है सब। तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं जैसे हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर में रहता है कि 415 दे दिया तो उसको वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन होकर निकलता था, लेकिन इसमें कुछ स्टेप अप स्टेप डाउन वगैरह नहीं होता है, इसमें जिसमें जितना घुसता है तो उतना ही निकलता है पावर। तो इसमें क्या लगाने से फ़ायदा ये होता है कि मोटर ज़्यादा डिस्टेंस पे होने के कारण से और उसमें लेंथ ज़्यादा होने से वो मोटर ज़्यादा हीटअप नहीं होता है, नहीं तो ज़्यादा मोटर हीटअप हो जाता है अगर 100 मीटर का ज़्यादा अगर लेंथ हो गया मोटर से VFD अगर हो गया तो उसके बीच में अगर है तो इसको लगाना पड़ता है आउटपुट फिल्टर चोक। तो आप देख सकते हैं ऊपर में RYB लगा हुआ है और नीचे से RYB निकला हुआ है, मतलब जो नीचे से निकला हुआ है वो आउटपुट है, ऊपर वाला जो लगा हुआ है वो इनपुट है। तो आप देख सकते हैं VFD से जो आउटपुट निकल रहा है ये जो राइट साइड वाला RYB, तो ये क्या करता है जाके सीधा लगता है आउटपुट चोक में, आउटपुट चोक में से घुस के फिर निकलता है बाहर, तो बाहर जाके हमारा मोटर पे जाता है जहाँ पे मोटर लगा हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं ये एक टाइप का कैपेसिटर है जिसमें आप देख सकते हैं कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल का नाम लिखा हुआ है U1, U2, V1, V2 और W1, W2, जो कि 1 वाला हो गया इनपुट और 2 वाला हो गया आउटपुट। तो सिंपली है सीधा सीधा, तो इसमें कोई आपका जो वोल्टेज कम ज़्यादा होने का कोई चांस नहीं है, तो बस सिर्फ इंडक्टेंस उसमें से ऐड होता है। इसको साइन फिल्टर बोलते हैं, आप लिखा होगा नाम आप देख सकते हैं इसको। तो साइन फिल्टर में क्या होता है कि एक कैपेसिटर साइड में लगता है, एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर जो कि एक मतलब उसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों पैरेलली है, तो दोनों ऐड होके फिल्टर करेगा जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज निकलेगा उसको ये फिल्टर करके मोटर को तक पहुंचाएगा। तो ये होता है हमारा साइन वेव फिल्टर जो बोलते हैं, ये हो गया वही साइन फिल्टर बोलते हैं इसको। तो इसी तरह से साइन फिल्टर एक है, DU/DT एक फिल्टर है, तो ये दो फिल्टर जो होता है हमारा आउटपुट चोक में भी लगाते हैं इसको आउटपुट के जगह में। तो वहाँ से जाता है हमारा BMR लगा हुआ है, एक इंडिविजुअल दो मोटर है तो BMR लगा के अलग अलग करते हैं, एक VFD में अगर दो मोटर लगता है तब क्या करते हैं कि BMR लगाते हैं, अगर एक मोटर है तो डायरेक्ट हमारा चोक लगा के उसमें से निकाल के दे देते हैं। तो हमारा यही मेन कारण है इनपुट चोक लगाने का, इनपुट वोल्टेज को फिल्टर करेगा। अगर आउटपुट चोक लगा रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज को फिल्टर करने के साथ साथ अगर लंबा दूरी है वो दूरी के वजह से जो मोटर हीटअप होता था वो उसको बचाएगा, तो इसीलिए हमारा आउटपुट में भी चोक लगाते हैं अगर VFD से मोटर का दूरी अगर 100 मीटर से ज़्यादा है तब, मतलब पूरा रूट मिला के जिस रूट में केबल गया हुआ है सभी लेंथ मिला के अगर 100 मीटर से ज़्यादा हो रहा है तब आपको लगाना पड़ेगा आउटपुट फिल्टर DU/DT या फिर साइन फिल्टर जो होता है इसी तरह का लगाना पड़ेगा। अब देख सकते हैं कि एपकॉस का एक लगा हुआ है कैपेसिटर, तो ये बस कॉयल ही है जो चोक में कॉयल के साथ एक पैरेलल में कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है बड़ा सा जो कि AC कैपेसिटर है बड़ा वाला जैसे हमारा फैन वगैरह में लगता है। अब देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है यहाँ पे दिखा रहा है 3×95 μF का। तो यही सब लगा के हमारा आउटपुट में जो वोल्टेज वगैरह रहता है नॉइज़ रहता है उसको ये कैंसिलेशन करते हैं, तब जाके क्या होता है कि जो मोटर अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये मोटर का डिस्टेंस से जो हीटअप होने वाला जो दिक्कत आता है
ये दिक्कत इसमें नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है कि मोटर का वाइंडिंग हमेशा गर्म हो रहता है, आप जब भी हाथ लगा के देखेंगे या फिर टेम्परेचर गन से देखेंगे आपको गर्म हुआ मिलेगा, ये लगाने से नहीं होगा ये।